भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर का राजकीय सम्मान के साथ शुक्रवार को शिवाजी पार्क के शद्दाह नगर में अंतिम संस्कार किया गया। वाडेकर के बरली स्थित घर में उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेटकर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वाडेकर को श्रद्धांजलि देने वालों में सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, नीलेश कुलकर्णी और अन्य लोग शामिल थे। वाडेकर का लंबी बीमारी के कारण बुधवार को निधन हो गया था। वाडेकर को भारत सरकार ने 1967 में अर्जुन अवार्ड और 1972 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 1971 में अजीत वाडेकर की अगुवाई में भारत ने इंग्लैंड में पहली बार जीत दर्ज की थी। लॉर्ड्स और ओल्ड ट्रेफर्ड में खेले गए पहले दो मैच के ड्रा हो जाने के बाद ओवल टेस्ट में भारतीय टीम ने मेजबान टीम को 4 विकेट के हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अजीत वाडेकर ने 1966 से 1974 तक क्रिकेट खेला। वाडेकर ने अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत 1958 में की थी, जबकि अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत 1966 में की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति कोविंद ने पूर्व क्रिकेटर अजीत वाडेकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाडेकर के निधन से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। वाडेकर को सचिन तेंदुलकर ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि वाडेकर के निधन से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। सचिन ने कहा, जनता के बीच वाडेकर की ख्याति एक महान क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में है, जबकि मेरे लिए वह एक महान खिलाड़ी के साथ एक महान व्यक्ति भी थे। वाडेकर मेरे लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और समय के साथ हमारे संबंध और प्रगाढ़ होते गए। वाडेकर का दक्षिण मुंबई स्थित जस लोक अस्पताल में 77 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण 15 अगस्त को निधन हो गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और इंग्लैंड में खेल रही टीम इंडिया ने उन्हें कल श्रद्धांजलि दी थी। भारत के पूर्व विकेटकीपर और बीसीसीआई के महाप्रबंधक क्रिकेट ऑपरेशन सबा करीम ने भी वाडेकर को श्रद्धांजलि दी। करीम ने कहा कि उनकी उम्र के लगभग सभी क्रिकेट खिलाड़ी उनका अनुसरण करते थे। वाडेकर बाएं हाथ के एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज थे और उनके निधन से क्रिकेट जगत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी समीर दिघे, विनोद कांबली, हॉकी के पूर्व कप्तान एम एम सोमैया ने भी वाडेकर को श्रद्धांजलि दी। सेट न्यूज़ की रिपोर्ट।